वेलकम टू फेरीज फैमिली ब्लॉग्स। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज है संडे अगस्त 9 और सुबह का वक्त है। मैंने सफाई कर ली है, बेडशीट्स भी आज चेंज की हैं और ताकि मैं बेडशीट्स धो लूँ, और ये मैंने अपना ड्रेस भी प्रेस करके रेडी रखा है। बस जल्दी से काम ख़त्म होता है तो फिर मैं भी चेंज करती हूँ। और मैं सारे कपड़े धो चुकी हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी तो स्पिन करके कपड़े तो मैंने फैला दिए हैं और काफ़ी हद तक खुश भी हो गए हैं। और आर्यन खेल रहा है और अभी भी बादलों की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो बस ये है कि थोड़ी देर में फिर बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन तब तक ये जो हवा वगैरह चल रही है उससे कपड़े जो थोड़े बहुत गीले हैं वो भी खुश्क हो जाएंगे। तो बेडशीट्स भी धुल गई हैं, कुछ कपड़े थे वो भी धुल गए हैं। और आर्यन इस वक्त काफी मस्ती में है और खुश हो रहा है, बस इधर उधर भाग रहा है। और अभी दोपहर का वक्त हो चुका है, जो कपड़े खुश्क हो गए थे उनको मैंने फोल्ड कर लिया है। बस अभी इनको अलमीरा में रख दूँगी। और आर्यन और उसके बाबा अभी कार्टून्स देख रहे हैं। और आर्यन अभी थोड़ी देर पहले जागा था क्योंकि मैंने इसे सुला दिया था, सुबह काफ़ी जल्दी जाग गया था, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर सो जाइए तो मैं भी सो गई थी, फिर अभी हम जागे हैं। अभी जब आर्यन का आपको पंच लगा ना फिर देखना। आर्यन तोड़ दूंगा। क्या तोड़ दूंगा? और अभी 2:30 बज चुके हैं और हम खा रहे हैं दोपहर का खाना। और आज खाने में है कीमा बना हुआ, साथ में खीरा है और उसके अलावा चटनी है और रोटी है। तो बस हमने भी यही खाया। और आर्यन को जस्ट मैंने रोटी दी थी और साथ में खीरा, तो वो उसने ज़्यादा खुशी खुशी खा लिया। तो बस फिर मैंने उसको सीरिलैक वगैरह नहीं दिया ताकि वो थोड़ी सी जो उसने रोटी खाई और खीरा खा लिया, तो अभी बस ये खीरा ही खा रहा है। और खीरा इसका बहुत फेवरेट है। और बाबा खाना खा चुके हैं और अब लेटे हुए हैं। सर में दर्द था बाबा के काफ़ी ज़्यादा। और अभी शाम हो चुकी है और आर्यन बाबा से ज़िद कर रहा है कि मुझे बाहर लेके चलें, लेकिन बाहर बारिश हो रही है क्योंकि थोड़े थोड़े वक्फे से कभी बारिश शुरू हो जाती है कभी रुक जाती है, तो फिर बाहर जाने का ऐसा कोई प्लान नहीं है। और यहाँ पे आर्यन बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था कि आप मेरी वीडियो बनाएं, तो बस मैं इसी की वीडियो बना रही थी। यहाँ वहाँ भाग रहा था क्योंकि बाहर तो जा नहीं सका बाहर बारिश की वजह से, तो इसलिए फिर इसने रूम में ही खेलना मुनासिब समझा। और बस आर्यन यहाँ पे ज़बरदस्ती की अपनी वीडियो बनवा रहा है और भागता है कमरे में। मौसम अच्छा नहीं है, बारिश तो हो रही है बट हबस बहुत ज़्यादा है और गर्मी सी ज़्यादा लग रही है। और अभी तकरीबन शाम के 5:15 बज चुके हैं, तो मैं आर्यन को जेलीस दे के उसको मैंने बिठा दिया है और अभी वो कार्टून्स देख रहा है। और मैंने जो कपड़े धोए थे आज उनमें आर्यन के बाबा का एक सूट था, बस वही अभी प्रेस करने लगी हूँ, वो निकाल के रखा है।
और अब रात हो चुकी है। इस वक्त आर्यन को मैंने नहला दिया है क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, बारिश तो थी बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बस अभी उसको मैंने रेडी कर दिया है रात को सोने के लिए। और यहाँ पे अभी वो बार बार कभी लोशन लगाने का कह रहा है, कभी पाउडर लगाने का। क्या है मामा, मैं आपको पाउडर लगाता हूँ या लोशन लगाता हूँ? तो बस अभी वो यही ज़िद कर रहा है। और इसको लोशन लगाने का बहुत शौक है, मसाज करने का, और अभी ये लगा रहा है पाउडर। और अभी 14th of August भी आने वाली है और उसके लिए हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ पार्टी वगैरह करने का, कुछ बच्चों के साथ पार्टी करें, देखते हैं क्या करना है। और आर्यन का ड्रेस भी मैं ले चुकी हूँ और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी आर्यन मेरे पाँव पे पाउडर लगा रहा है। क्या पढ़ाऊँ आपको? चलो पढ़ो, पहले आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सुनाओ आप। या तैयबा सुनाओगे? सुनाओ। अच्छा, हम पार्टी कर रहे हैं ना, आ जाओ। अभी हम खाएंगे कैटी चीन्स। और क्या कैटी चिन्स के साथ? यस, जूस भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, मिल्क वाले भी हैं, माइलो भी हैं और मैंगो भी हैं। ये मैंगो, माइलो, माइलो नहीं, आपको सूट नहीं करता माइलो। चलो ओपन करो। आर यू हैप्पी? तो हैप्पी कैसे होते हैं? ओके, ये करो ना, हैप्पी हो रहे हैं ना। चलो अब टेस्ट करो। जी, तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। और हमारा संडे आज काफ़ी डिफरेंट था, बहुत बोरिंग था और बारिश की वजह से और भी ज़्यादा ऐसे कह लें बहुत अजीब सा दिन था। एक तो घर से भी बाहर नहीं निकल सके क्योंकि बारिश थी, वक्फे वक्फे से हो रही, तो बस कुछ ख़ास नहीं था। आई होप आपने इंजॉय किया होगा, और अगर आपने इंजॉय किया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।